अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में ये जो वीडियो है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आज इस वीडियो में मैं एक मसला बताऊंगी। जी थोड़ा सा मेरा क्या कहते हैं कंटेंट चेंज हो रहा है, आई नो दैट। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी, मेन टॉपिक ये है कि बहुत सारी औरतें होती हैं जो पीरियड्स के टाइम पे उनको हज पे जाना होता है या उमरा पे जाना होता है या नॉर्मल कोई बेसिक उनको प्रेयर करना होता है, उस समय वो क्या करती हैं अपने पूरे वो सफ़र में, उमरा और हज के पूरे सफ़र में वो टैबलेट्स लेती हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अगर हज पे जा रही है, उमरा पे जा रही हैं, तो उनका पीरियड्स रहेगा तो उनके इबादत में कोई भी मसला हो सकता है, कोई भी कमी आ सकती है। पर अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए तो पीरियड्स को रोक सकते हैं, बहुत सारे मेडिकेशन आते हैं उससे। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो आप किसी नेचुरल चीज़ को, जैसे पीरियड की जो टाइम होती है वो एक नेचुरल स्पेसिफिक टाइम होती है, इसी टाइम तक होगा, इतना डेज बाद होगा, इतना होगा, बस ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप किसी नेचुरल प्रोसेस को रोकोगे ज़बरदस्ती तो उसके रिएक्शंस भी होते हैं। तो अगर मैं सच बताऊं तो लाइक साइंटिफिक वे में, मेडिकल फील्ड में रहते हुए अगर मैं बताऊं तो किसी भी नेचुरल चीज़ को रोकना ज़बरदस्ती इट्स नॉट अ गुड थिंग। जो पीरियड्स रोकने के जो टैबलेट्स होते हैं, अलग अलग मेडिकेशंस होते हैं, उसके थोड़े बहुत तो फ़ायदे होते हैं कि हाँ वो चलो जो पीरियड्स आपकी हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो कम हो जाता है, पर प्रॉब्लम ये होता है कि वो बिल्कुल सीज नहीं होता। आपको लगता है कि वो सीज हो रहा है पर वो सीज नहीं होता, वो कम हो जाता है, उसका अमाउंट, उसका बहना कम हो जाता है। और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, आपको अगली बार पीरियड आने में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अगली बार हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ आपको अगली बार वो थोड़ा सा पोस्टपोन भी हो सकता है। तो नेचुरल चीज़ को रोकना तो अच्छी बात नहीं है। अब मैं अगर इस्लामिक वे में बताऊँ तो इस्लामिक वे में क्या है, हमारे इस्लामिक वर्ल्ड में अल्लाह ताला ने बहुत सारी क्या कहते हैं उसको, बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स दे रखी है, ऐसी छूट दे रखी है हमें, जिसके चलते अगर हमें पीरियड्स हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल प्रेयर नहीं कर सकते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, पर हम दुआ दुरूद कर सकते हैं, हम जिक्र कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अल्लाह पाक की दी हुई चीज़ है तो उनको तो पता है कैसे क्या है, नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बहुत गुनाह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात सफ़र जाने के लिए, तो आई डोंट रिकमेंड कि यू शुड टेक, आप चाहो तो ऐसे नॉर्मल ही जाओ। बस आप ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा होली प्लेसेस है, जैसे मक्का के पास और फिर क्या कहते हैं मदीना वाले, मदीना का जो नबी जी का जो घर है उसके आसपास थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ती है आपको। बाकी आप चाहो तो जिक्र कर सकते हो, दुआ कर सकते हो, बहुत सारी तस्बीहां पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते, आपको गुनाह मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टैबलेट्स लेना ज़बरदस्ती रोकना इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो बस मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बताऊँ, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार मैं कुछ और भी टॉपिक्स लेके आऊँगी, अलग थोड़े मेरे वो नॉर्मल कॉलेज वाले ब्लॉग्स भी और थोड़े ऐसे इस्लामिक ब्लॉग्स भी आ सकते हैं। अभी कंटेंट थोड़ा चेंज हो रहा है, यू कैन सी। और बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अगली बार मिलते हैं, बाय बाय।